न्याय द जस्टिस इज़ द फिल्म्स नेम, जैसे कि नाम खुद बोलता है न्याय है, और सुशांत के ऊपर है फिल्म, और इट्स अ बायोपिक आप बोल सकते हैं, बट इट्स पब्लिक डोमेन में जो भी चीज़ें हैं उसी से रिलेटेड ये चीज़ हमने फिल्म में दिखाया गया है, और ये स्टोरी उससे इंस्पायर्ड है, एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट नहीं है, बट येस महेंद्र सिंह इज़ द कैरेक्टर्स नेम विच आई प्ले एंड on Wikipedia and everywhere, it's kind of that story which is known by everyone, जो सब लोग जानते हैं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, जितनी भी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी है मीडिया में बाहर, उसी के ऊपर एक कमर्शियल लेवल पर एक फिल्म है जिसमें तीन गाने भी हैं, और ये फिल्म न्याय की ही बात करती है, क्योंकि जब ये फिल्म मुझे ऑफर हुई थी 2020 में आफ्टर ऑल दैट इंसिडेंट दैट हैज़ हैपन्ड, एंड आई वॉज ऑल्सो रियली शॉक्ड, आई वॉज डिसहार्टेड बिकॉज आई नो सुशांत 2015 तक वी यूज़ टू वर्कआउट टुगेदर, उनका ट्रेनर मेरा ट्रेनर प्रवीण भी था, एक सेम थे, तो उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, और नेशन के पूरी दुनिया के वन ऑफ द इंस्पिरेशन, मेरे भी इंस्पिरेशन दोस्त होने के बावजूद इंस्पिरेशन थे, और मेरी बात होती थी काफ़ी, बट ज़्यादा ऑफ स्क्रीन नहीं मिलते थे, बट हाँ जिम में काफ़ी बात होती थी, मार्शल आर्ट्स किकिंग एंड एवरी थिंग ही ओनली टॉट मी, और अभी मैंने हर इंसान कोई ना कोई कुछ ना कुछ करके ट्रिब्यूट देने की कोशिश कर रहा था, तो पेंटर पेंट कर रहा है, सिंगर गाने गा रहे हैं, तो मैं एज एन एक्टर व्हाट आई कैन डू, तो मेरे पास जब ये फिल्म का ऑफर आया तो आई सेड यस, आई टुक अ वीक एंड बिकॉज आई नो हिज बॉडी लैंग्वेज और मैं बहुत अच्छे से जानता था, तो महेंद्र सिंह करके न्याय द जस्टिस द कैरेक्टर है विच आई ट्राइड टू प्ले सुशांत, एंड बाकी अब जहाँ भी रहें जहाँ से भी देखें तो आई एम 100% श्योर खुश होंगे, और देख के मैं सिर्फ ट्रिब्यूट देना चाहूंगा एक एक्टर टू एक्टर। बहुत सारे अफवाह भी सुनने में मिला है, मतलब मीडिया ने बहुत कुछ बोला, उसमें कुछ सच है कुछ झूठ है, क्या क्या चीज अभी इस मूवी में दिखाया जाएगा? देखिए जो मेरी फिल्म के प्रोड्यूसर हैं अशोक सरोगी जी, वो सुशांत की मैनेजर थी श्रुति, उनके वकील रह चुके हैं, तो उन वो उस केस को बहुत करीबी से जानते हैं, बहुत अंदर से जानते हैं, तो इन्होंने बहुत ऐसी ऐसी चीज़ें इसमें दिखाई हैं जो शायद पब्लिक डोमेन में ना हो, और ऐसी चीज़ें दिखाई हैं इस फिल्म में जो ऑडियंस को हेल्प करें न्याय द जस्टिस मिलने में, और ये फिल्म जैसे कि नाम बोल रहा है वैसे ही मैं 100% यही बोलना चाहूँगा कि ये जो नाम बोल रहा है वो ही फिल्म बोलती है, वो ये फिल्म न्याय की ही गुहार करती है, और उसी के लिए ये फिल्म बनाई गई है, तो पॉजिटिव है, और कुछ गलत इमेज दिखाने की कोशिश नहीं की गई है, एंड हाउ गुड ही वॉज, हाउ ही वॉज विथ ऑडियंस, विथ डाउन टू अर्थ कितने थे, और कितने ज़्यादा अपने लोगों को अपना मान के कितनी हेल्प करते थे, कैसे थे, उनकी लाइफ में एग्जैक्टली क्या हुआ, वो सब कुछ दिखाने की कोशिश की है, तो आई होप सो कि जो फिल्म बोल रही है वैसे ही लोग लें और न्याय द जस्टिस को सपोर्ट मिले, ये फिल्म खुद ही गुहार लगा रही है जस्टिस की भी, तो इसमें दोनों तरीके से, इवन इन द फिल्म वी हैव शोन मर्डर एंड इन द फिल्म वी हैव शोन कि किस तरीके से उसको सुसाइड में दिखाया गया है, तो बहुत दोनों पहलू दिखाए गए हैं इस फिल्म में, तो जब आप फिल्म देखेंगे तो समझ में आएगा, इवन दिशा का जो कैरेक्टर था, जो दिशा जिन्होंने सुसाइड किया ऐसी न्यूज़ आई बाहर, उनका भी काफ़ी ज़्यादा गहरा कितना प्रभाव, कितना अफेक्शन और कितना ज़्यादा उनके इफ़ेक्ट सुशांत पर पड़ा, वो तक दिखाया गया है इसमें, इसमें जो दिशा कैरेक्टर सोमी खान करके जो बिग बॉस में थी उन्होंने किया है, तो उसको भी सेम नाम से नहीं निशा के नाम से पोर्ट्रेट कर किया गया है, सो जब आप फिल्म देखेंगे तो समझ में आएगा कि ये जो फिल्म है बहुत सेंसिटिव है, बहुत लोगों से जुड़ी हुई है, जो कि मेरे, मैं भी उन लोगों में से ही हूँ, और क्योंकि मैं एक एक्टर हूँ मेरे को मौका मिला वो करने का, तो मैंने करने की कोशिश की है, और जब भी ये चीज़ जिक्र होता है, क्योंकि वेन एवर आई वाज शूटिंग मैं बहुत रोया हूँ, मैंने किसी को बताया नहीं, रोल के प्रिपरेशन में मैं रोया हूँ, मैंने 3 महीने इस फिल्म की शूटिंग की है, तो कैसा हुआ होगा कैसा, बिकॉज आई डिड ऑल दैट एंड आई फेल्ट दैट एंड आई कुड रिलेट दैट, तो मैं एक्चुअल में उस फेज़ में घुसा हूँ, 3 से 4 महीने मैं उस चीज़ में घुस के, बहुत मुश्किल से जब मैंने अगर तुम मिल जाओ स्टार्ट की थी, तो जो नेक्स्ट फिल्म आ रही है उस फिल्म के 15 से 20 दिन के बाद स्टार्ट किए, तो आई 2-3 ऐसे कुछ सीन्स हैं जिसमें मेरी एक्टिंग जो मैंने अभी डबिंग की अगर तुम मिल जाओगे, तो मुझे देखा मैंने कि अरे ये तो वही फिल्म की वैसी एक्टिंग की है मैंने, तो आई कैन रिलेट कि वो बहुत डीपली मेरे अंदर है, और उस चीज़ को मैंने ऑडियंस के सामने लाने की कोशिश की है, तो इस ऑडियंस, इसमें जो ऑडियंस को जितना पता है उतना ही इस फिल्म में दिखाया जाएगा, और इवन जज का जो डिसीज़न होगा वही इस फिल्म में भी दिखाया जाएगा। शुभम,
सुशांत सिंह राजपूत के साथ बहुत सारा नाम जुड़ जाता है, और उसके जी साथ साथ बॉलीवुड में हुआ हुआ नेपोटिज्म के बारे में जी पता चलता है, ये सब क्या फिल्में आएगा? देखिए, फिल्म में बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जो दिखाए गए हैं। इवन फिल्म में जो उन्होंने फिल्म की थी एमएस धोनी, उस फिल्म से रिले वो है, वो मेरी फिल्म में न्याय द जस्टिस में क्रिकेट के नाम से दिखाई गई है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो रिजेंबल कर रही हैं, और मैं कॉपी पेस्ट तो नहीं बताऊंगा, जब आप फिल्म देखेंगे समझ में आएगा। बट हाँ, जो फील किया गया है, और इंडस्ट्री के जो कुछ लोग हैं या कुछ लोग नहीं हैं, जिन लोगों की बातें पब्लिक डोमेन पे हैं और जिन लोगों को पता है ऐसे ऐसे कुछ चीज़ें हो सकती हैं, वो सब फिल्म में दिखाया गया है। आप पर्सनली पहचानते थे सुशांत को, जी तो बहुत सारी बात हो रहा है कि उसके मेंटल स्टेट के बारे में, उसके जी बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, 2015 तक, जब तक मैं जानता था एंड वी वर गोइंग इन द सेम जिम, तब तक तो ही वॉज वेरी एंथुसियास्टिक, फुल ऑफ लाइफ, वेरी एम्बिशियस, और इतनी फुल ऑफ एनर्जी। मुझे सच में मुझे यकीन नहीं होता है कि अगर कुछ ऐसी डिप्रेशन वाली स्टोरी आई है तो वो कहाँ से आ गई, क्योंकि 15 तक तो ऐसा नहीं था। उसके बाद वो इंसान अगर बदला भी है और इतना डिप्रेशन में गया है, तो वो क्या वजहें हुई हैं और किस तरीके से क्यों गया, मुझे समझ में नहीं आया। बिकॉज दैट वॉज इम्पॉसिबल थिंग। जब तक मैंने जाना है, जब तक मैंने बातें की हैं, इंस्पिरेशन आप देख के किसी को दूर से जब आप समझ जाते हो, या व्हाट आर एनर्जी, हाउ वी कैन बी लाइक हिम। तो जब मैं, क्योंकि मैं बहुत नया नया था बॉम्बे में 2011 में, एंड ही यूज़ टू कम एंड वॉज डूइंग पवित्र रिश्ता दैट टाइम, और तब मेरे जिम में आते थे, तब मेरी बात हुई थी, क्योंकि मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था, और उन्होंने मुझे दो तीन चीज़ें बताई थी, सिखाई थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। और उस चक्कर में मुझे यकीन नहीं हुआ कि जो इंसान सबकी इंस्पिरेशन है, मेरे जैसे लाखों करोड़ों यंगस्टर्स की इंस्पिरेशन है, वो कदम ऐसा कैसे उठा सकते हैं। तो इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल। बट जब तक मैं जाना था, तब तक तो ऐसा कुछ कुछ भी अंदाज़ा नहीं था, और के कुछ सिम्टम्स होंगे डिप्रेशन के या कुछ। आफ्टर जब मेरा टच ख़त्म हो गया और आई वॉज डूइंग टीवी एंड ही चेंज इज नंबर एंड बहुत सारी चीज़ें फिर बदल गई, तो उनकी लाइफ में क्या हुआ दैट आई डोंट नो। बट जब तक मैं जानता था, तब तक तो नथिंग वॉज लाइक दैट। और उसके साथ साथ और एक चीज के बारे में बात हो रहा है, क्योंकि ये केस एनसीबी के स्कैनर के जी अंडर आ गया है, कि जी सुशांत को लेकर ड्रग का जी इशारा है, तो जी इसके बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, इस फिल्म में एनसीबी और अपना सीबीआई और नार्कोटिक्स से लेकर सब कुछ दिखाया गया, मतलब लाइक पुलिस भी इन्वॉल्व है इस फिल्म में। एनसीबी का कैरेक्टर शक्ति कपूर सैनी का है, नार्कोटिक्स नहीं, इवन सीबीआई सुधा चंद्रन जी ने किया है, अमन वर्मा सर ने भी रोल किया है। बहुत लोगों को दिखाया गया है, और ड्रग एंगल भी दिखाया है फिल्म में, जो पब्लिक डोमेन में हम लोगों को पता है वो सब बताया है। और सब यही कोशिश की गई है कि उसको कैसे, अगर सुशांत को अगर लत लगाई गई थी तो किस तरीके से लगाई गई थी, कैसे अगर उसको इंट्रोड्यूस भी किया गया था तो कैसे किया गया था, तो ये सब कितना इनोसेंट इंसान को किस तरीके से आप अगर डिविएट कर सकते हो अपने पाथ से, और उसको एमलेस कर सकते हो, उसको डिप्रेस करार करवा सकते हो, उसको पागल आप करार करा सकते हो, तो वो चीज़ इस फिल्म में दिखाई है। तो ईच एंड एवरीथिंग, चाहे ड्रग एंगल हो, चाहे एक्टर्स का एंगल हो, चाहे फिल्म्स का एंगल हो, चाहे पुलिस का एंगल हो, सब इसमें दिखाया है। कोई प्रॉब्लम फेस किया इस फिल्म के जब आप कर रहे थे शूटिंग? बॉलीवुड के अंदर पॉलिटिक्स है, तो कोई प्रॉब्लम ऐसा फेस किया, कोई पॉलिटिक्स, कोई थ्रेटनिंग ऐसा कुछ? देखिए, क्योंकि मेरे प्रोड्यूसर पर मैं बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता हूँ, क्योंकि ही हिमसेल्फ इज़ अ लॉयर, और उन्होंने यही बोला था कि इट्स अ इंस्पिरेशन काइंड ऑफ स्टोरी, जो किसी को भी लेके आप बना सकते हो अगर पब्लिक डोमेन में बाहर होती है तो। और ऐसा एज सच अगर उनको आया होगा तो आया होगा। रिसेंटली अभी किसी फैन ने उठाया था सवाल कोर्ट में, और ये फिल्म को रोकने की कोशिश की गई थी, बट फैन को पता नहीं, बिकॉज वो फैन जो है वो मैं भी हूँ, तो मैं भी उसी तरीके से देखता हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं करूँगा मैं जिससे उनकी इमेज को हार्म हो, और ऐसा कुछ नहीं करूँगा, क्योंकि ही वॉज़ वन ऑफ माई आइडल एंड वन ऑफ माई इंस्पिरेशन ऑल्सो, तो मैं कुछ नहीं करूँगा ऐसा। और स्टार्टिंग में बहुत सवाल उठे थे, क्योंकि स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा एनसीबी के इश्यूज हो रहे थे, सारी एक्ट्रेसेस का नाम आ रहा था, तब बहुत सारी चीज़ें हो रही थी। बट बिकॉज वी आर शोइंग द पॉजिटिव साइड एंड वी आर शोइंग एवरीथिंग इज़ पॉजिटिव इन इन द इंडस्ट्री, हाउ ही केम, हाउ ही बिकम एन एक्टर एंड अ सुपर स्टार, तो वो सब दिखाया है इस फिल्म में। तो एज सच अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है, बिकॉज जब जब फिल्म देखेंगे, रिलीज होगी, तो शायद हो, तो माई प्रोड्यूसर इज देयर टू हैंडल एवरीथिंग।